मैं तुम लोग को ये बता रहा था कि वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के ये मत सोचना कि पीजी नहीं करना है। मेरा ये स्टेटमेंट, पीजी करना है। कब करना है पीजी? आफ्टर गेनिंग 2-3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। नाउ दोज स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ओवर हियर हु हैव गॉट जॉब इन विप्रो, सर हम लोग का तो सर विप्रो का जॉब शुरू, साथ में पीजी भी शुरू, हाँ, और वो भी बीसीए के बाद एमटेक में एडमिशन कहाँ मिलता है, और वो भी ब्रिट्स पिलानी में एडमिशन कहाँ मिलता है। एक बार विप्रो वालों के लिए तो जोरदार ताली बजा दो, हाँ, कहाँ है, कौन कौन है, खड़े हो जाओ, विप्रो वाले जितने बच्चे हैं, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इनरोलमेंट एट ब्रिट्स पिलानी फॉर द एमटेक आईटी कोर्स, पता है कि नहीं पता है? और उस कोर्स में तुमको मतलब एक तो बीसीए के बाद जल्दी किसी को एमटेक का मौका नहीं मिलता है, दूसरा तुमको कितना भी मेहनत कर लोगे ब्रिट्स पिलानी का एक कोर्स मिल जाए, एडमिशन मिल जाए, इसका अवसर ये विप्रो के थ्रू ही मिलता है। और विप्रो के थ्रू इसलिए मिलता है क्योंकि ये कोर्स तुमको बिल्कुल वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, WILP वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, माने काम भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, लर्निंग भी कर रहे हो, और क्लासेस भी बकायदा इसकी होगी, और तुमको इस पीरियड में सैलरी भी मिल रहा है, स्टाइपेंड भी मिल रहा है, लर्निंग भी मिल रहा है, और तुमको कोर्स पूरा होते ही प्रमोशन भी मिलेगा, अच्छा खासा प्रमोशन। और उसके बाद कई लोग को पंख लग जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अब मेरा काम हो गया विप्रो में, अब हम चले दूसरी जगह, लेकिन जब तक वो कोर्स पूरा ना हो जाए तब तक इधर तो जाना। कल परसों मेरी बात हो रही थी स्टूडेंट से, पुणे में है, उसका भी अभी पूरा हुआ और उसको अभी जॉब मिल गया है IBM में, वहीं पुणे में ही, विप्रो के बगल में ही IBM है। तो हम बोले तुम जा रहे हो छोड़ करके विप्रो क्यों? बोला सर मेरा वो एमटेक तो हो गया, इतना साल सीखे, डिग्री भी मिल गई और 2 लाख रुपए का प्रमोशन वो मिलता है एमटेक पूरा होने पर, बोनस, ठीक है, यानी कि डिग्री का डिग्री और बोनस का बोनस, तो वो हर मामले में तुम लोग के लिए फायदेमंद है। तो और बाकी ऑब्वियसली विप्रो इज ए वेरी गुड एम्प्लॉयर, अजीम प्रेमजी कॉरपोरेट एक्सलेंस के लिए पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। और जैसे ही मतलब मुझे ऐसा अनुमान है, मैं अपने पिछले लगभग 20 सालों का मेरा ऑब्जर्वेशन है, आईटी सेक्टर में जब जब थोड़ा सा भी मतलब डाउनफॉल या जो डीग्रोथ आता है या थोड़ी सी रिसेशन आती है, थोड़ी मंदी आती है, उसको मैं ये देखता हूँ कि वो आईटी सेक्टर एक तरीके से जो धनुष जो है वो पीछे की तरफ खींच रहा है, वो अभी पीछे खींच रहा है किस लिए, कि आगे और तेजी से जा सके। That is simply like that. 2010 में मंदी, 2008 में मंदी आई थी, उसके बाद जबरदस्त तेजी आई, 2002 में मंदी आई थी, भयानक तेजी आई, उसके बाद 2003 से लेकर के 2008 तक का समय सुपर ग्रोथ का समय रहा, सारी कंपनी आईटी सेक्टर की जो वो कई गुना बढ़ गई, भारत में भी और ग्लोबल भी, और ये पूरा ग्लोबल है। अगर जब भी इसमें कुछ रिसेशन आता है तो ग्लोबल आता है, और जब भी तेजी आती है तो ग्लोबल आती है, ठीक है। और फिर 2008 में मंदी आई, लेकिन फिर जो 2009 से जो शुरुआत हुई वो तुम्हारे को 2016, 17, 18 तक लगातार चलती रही। फिर हुआ 2020 में मंदी जैसा शुरू हुआ, लेकिन वो बहुत छोटा देर का, कोविड का जो मंदी आया था आईटी सेक्टर में वो समझ लो कि 1-2 महीने का था, 1-2 महीने तक लगा लोग निकाल दिए जाएंगे, क्या होगा, जॉब होगा नहीं होगा, इस तरीके से वर्क फ्रॉम होम और सारी चीज़ें शुरू हो गई कि भाई आईटी सेक्टर तो वर्किंग में आ ही गया, आईटी सेक्टर ने पूरे दुनिया के बाकी सब सेक्टर को भी क्या कर दिया, वर्किंग में ला दिया। तो और 2020-2021 वो साल है, मतलब मेरे स्टूडेंट्स, सिविल्स के स्टूडेंट्स उस साल को भूल नहीं सकते, जिसकी सैलरी 5 लाख थी उसकी सैलरी 20 लाख हो गई, 22 लाख, 25 लाख, मतलब ऐसा होता नहीं है कि आप 5 लाख की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं सालाना और तुरंत से क्या हो गया 15 लाख, 20 लाख, जबरदस्त। मतलब आज सिमेज में 10 लाख से ऊपर तनख्वाह कमाने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या जो होगी वो मुझे लगता है कम से कम भी 300-400 से ऊपर होगी, जिनकी 400-500 से ऊपर होगी। और ये इनको ग्रोथ मिला 3-4-5 साल के समय में, माने ऐसा नहीं है कि ये लोगों को 10 साल और 15 साल और 20 साल लगा 20 लाख के पैकेज पर। भाई आप में से कई लोग ऐसे होंगे, मैं उनकी मेहनत को सलाम करता हूं, गार्जियन की मेहनत को सलाम करता हूं, लेकिन गार्जियन जो हैं वो 15-20 साल से जॉब कर रहे हैं और 20 साल से जॉब करके वो 20 लाख के पैकेज पर नहीं आ पाए,
मेहनत वो ज्यादा कर रहे हैं घर परिवार को तुम लोगों को इस लायक बनाए, लेकिन बच्चा जब 5 साल में 20 लाख के पैकेज पे आ जाता है तो गार्जियन का सीना तो चौड़ा होता है, या सुन दो।